जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग सीटेट की एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू किए हैं एनसीईआरटी की, जहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, क्योंकि सीटेट एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा पैटर्न है जो अपने ईवीएस की में प्योर एनसीईआरटी पूछता है। एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता, तो हमने आपके लिए जी पेडागॉजी के साथ साथ हम एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है वो दोनों तथ्य को एक साथ इलर्निंग दुर्गेश पर हम व्याख्यात्मक रूप से आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि जो सीरीज है आपकी, इस सीरीज में आपको एक चीज़ का सबसे बड़ा फायदा होगा कि प्रश्न को हमने स्वयं आपके लिए तैयार कराया है, ताकि जब आप प्रश्नों के हल करें, जब प्रश्नों के उत्तर दें, तो वहाँ पर आपको इस बात का आभास, इस बात का ज्ञान रहे कि ऐसे सारे प्रश्न जो है हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उसके लिए पूरी तरह से एनसीईआरटी किताब और प्रीवियस ईयर पेपर, इन दोनों को मिलाकर इन सभी सीरीज को शुरू किया गया है। ये सीरीज प्रतिदिन रात 8:30 बजे इलर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। चलिए, आपके सामने एक प्रश्न है और प्रश्न में यहाँ पे 4 विकल्प हैं, तो प्रश्न भी ध्यान से पढ़िएगा और इसके उत्तर भी ध्यान से आपको देना है। यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये कह रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, जब प्राथमिक कक्षा के बच्चों को उनके काम के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है तब। 4 विकल्प है। पहला विकल्प, वे सपने में खो जाते हैं, बच्चों में ज्ञान का सृजन होता है, बच्चे कक्षा में ध्यान देने लगते हैं, बच्चे रोज स्कूल जाने लगते हैं। अब आपको यहाँ पर जो प्रश्न है उस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सबसे पहला काम आप तो ये करें कि इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर कर दें। अगर आपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो सीरीज को आराम से पढ़िएगा, क्योंकि सीटेट में ईवीएस के कॉन्सेप्ट को अगर आप पूरा अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीनन आप परीक्षा में आप काफ़ी बेहतर स्कोर कर पाएंगे। बताइए आप लोग फटाफट कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दें। चलिए, आप अगर जवाब नहीं देते मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। यहाँ पर इसका उत्तर होगा बच्चों में ज्ञान का सृजन। ये बात याद रखिएगा, देखिए जब प्राथमिक कक्षा के बच्चों को उनके काम के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है तो बच्चों के ज्ञान में सृजन किया जाता है। जैसे अगर कोई बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है या किसी ने बच्चे ने कोई चीज़ गलत कर दिया है, हम क्या कहते हैं उन्हें, बच्चों को प्रोत्साहित करते, नहीं बेटा बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आप पढ़ने में बहुत तेज हो। किसी ने अगर आपके सामने कोई ड्राइंग बनाई और ड्राइंग बना अगर आपके सामने रख रहा है तो क्या कहेंगे कि ड्राइंग खराब है, जी नहीं बहुत अच्छा ड्राइंग है बच्चे, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है। तो इस प्रकार हमें वहाँ पे क्या करना होता है, बच्चों को प्रोत्साहित करना होता है। इसलिए यहाँ पर उनसे ज्ञान में क्या होता है, सृजन होता है और लगातार अपने काम को आगे करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे इस दिए गए प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त उत्तर है वो यहाँ पर 20 का राइट है कि बच्चों में ज्ञान का सृजन होगा। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपने ये पूरी सीरीज को तैयार कर लिया तो आपको यकीनन बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो सीटेट परीक्षा में हूबहू मिल जाएंगे या थोड़े शब्दावली के परिवर्तन के साथ आपको मिलेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है आ चुका है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि घर में सुरेश को यह बात ठीक नहीं लगती कि उसकी बहन और उसके लिए अलग तरह के नियम होते हैं, सुरेश और उसकी बहन के साथ क्या होता है। फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दें। माने सुरेश एक लड़का है लेकिन उसकी बहन कहती है कि उसके लिए, उसके भाई के लिए या उसके बहन के लिए अलग अलग नियम है, घर में खाने का, पहनने का, सोने का, आने का, जाने का, उन दोनों के लिए अलग अलग नियम है। तो ये जो अलग अलग नियम है इसका उद्देश्य क्या, मतलब यहाँ पर उनके साथ क्या हो रहा है। तो यकीनन आप लोगों ने बहुत ही सही प्रश्नों के जवाब दिया है। जातिगत भेदभाव नहीं होगी कि दोनों भाई बहन हैं, आर्थिक भेदभाव नहीं होगी कि दोनों के माँ बाप एक है तो दोनों के लिए स्थिति नहीं होगी, धार्मिक माने दोनों अलग धर्म के नहीं है, लैंगिक भेदभाव होगा, ये आपके एनसीईआरटी में मिलेगा। और अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप यकीनन प्रश्न का जवाब सही दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंगिक जो पूर्वाग्रह होता है, लैंगिक भेदभाव होता है, क्योंकि सुरेश और उसकी जो बहन है दोनों महिला और पुरुष एक तरह से हैं, फीमेल और मेल हैं, तो वहाँ पे जो जेंडर इनइक्वलिटी होती है वहाँ पे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सही वह क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, डी दिए गए प्रश्न का सही होगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और हमारे फेसबुक पेज इलर्निंग पे दुर्गेश उपलब्ध होगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को, जितने लोग अभी तक लाइव हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है सभी लोग। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न आपके बीच शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गाँव के बगीचों में जो फूल सिर्फ रात में खिलते हैं उनका रंग कैसा होता है।
एक यूनिक प्रश्न है जो प्रायः सीटेट के परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, खासकर जानवर के लेकर भी पूछा जाता है, और आगे चलकर मैं वो प्रश्न भी आपको कराऊंगा। लेकिन अभी जो है हमारे सामने जो पहला टारगेट है आपके लिए और हमारे लिए, वो यही है कि गांव के बगीचे में जो फूल रात में खिलते हैं उनका रंग कैसा होता है। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रश्न भी दिखेगा, विकल्प भी साफ दिखेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं भी देख रहा हूँ कि सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट और साफ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो आप कमेंट प्राय कर सकते हैं कि कमेंट से बचिए और तथ्यों को समझिए और तथ्यों की आप व्याख्या करें। यहाँ पे क्या होगा, काला होगा, पीला होगा, सफ़ेद होगा या गुलाबी होगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का एकदम सही जवाब दें। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें, विद्या माई कसम, सभी लोग फटाफट अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करें। जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं अपने फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। एकदम NCERT प्योर है, इससे बाहर आपके पास सीरीज नहीं आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर सफ़ेद होगा, क्या होगा, सफ़ेद होगा। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो पक्षी या जो जीव जंतु रात में जगते हैं, कहाँ रात में जगते हैं, उन्हें हर वस्तु काला और सफ़ेद नज़र आता है। ये सीटेट का पूछा प्रश्न है। ये क्या है, ये सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है कि जो भी, चाहे उल्लू की बात करें तो उल्लू रात में जगता है, जब उल्लू रात में जगेगा उसे हर वस्तु काली और सफ़ेद नज़र आएगी। इसलिए यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास है वो TD कॉलेज रोड जौनपुर में चलती है। मोबाइल नंबर ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ है, ये भी नंबर ही मेरा व्यक्तिगत नंबर है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है कि जो पक्षी दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं, उन्हें प्रत्येक वस्तु दिखाई पड़ती है। तो जो लोग लाइव हैं वीडियो में वो फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके आप, ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट कर जवाब दें। इसका क्या होगा बताइए, क्या होगा, क्योंकि मैंने ऊपर जस्ट इसकी व्याख्या कर दी। तो मैं उम्मीद करता हूं जब मैं जिस चीज की व्याख्या कर दिया होगा उसका आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बताइए क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए। देखिए, यहां पर मैंने बताया कि जो पक्षी, जैसे हम उल्लू की बात करें, उल्लू उल्लू क्या है, रात में जगता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे गुलाबी और नीला ये नहीं होगा, सफ़ेद और लाल ये भी नहीं होगा, लाल और काला ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है, ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, एकदम सही आप लोगों ने बताया, क्योंकि सीटेट की सीरीज आपके बहुत ही काम आएगी। इसी तरह भी और सीरीज भी शुरू होने वाली है, क्योंकि सभी क्वेश्चन धीरे धीरे टाइप हो रहे हैं। आपकी EVS की क्वेश्चन टाइप हो गया है और आपका CDP क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं, हिंदी के हो रहे हैं और लैंग्वेज में मैथमेटिक्स के सभी प्रश्नों की सीरीज आपके लगातार टाइप हो रही है, जो जल्द ही आपको लर्निंग दुर्गेश पर एक एक करके मिलना शुरू हो जाएगा। और एप्लीकेशन भी ये बन रहा है, मेरा बन चुका है, उसे जल्दी पब्लिश करना है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्राथमिक स्तर पर NCERT की पुस्तक आसपास, क्योंकि NCERT की जो पुस्तक उसका नाम है आसपास की पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। तो जरा फटाफट कमेंट करें और आप ये बताएं कि NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या शामिल है, बताइए। जो लोग लाइव हैं फटाफट कमेंट करें। देखिए, कमेंट करके आपको जवाब देना चाहिए, उससे एक सबसे बड़ा ये होता है कि हम और आप ये जान पाते हैं कि कौन कितना बेहतर कर पा रहा है, कौन कितना बेहतर समझ पा रहा है और कौन उत्तर दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना, गलती हो जाए चलेगा, लेकिन जब परीक्षा हॉल में जाए तो वहाँ पर आपका गलती ना होने पाए, इस बात का हमें और आपको ख्याल रखना होगा। ठीक, इस बात का हमें और आपको पूरा ख्याल रखना है। बताइए क्या होगा आपके अनुसार, अगर आप अध्यापक होंगे तो इसमें, या आप अगर सीटेट परीक्षा में बैठे होते हैं वहां पर ये प्रश्न आ जाता तो कौन से विकल्प का आप चयन करते हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए, यहां पर है कि NCERT की पाठ्य पुस्तकों में शामिल है वर्तमान के ज्वलंत समस्या। जी हाँ, अगर आपने अगर NCERT पढ़ी होगी, हमारी पेड क्लास में अगर आपने NCERT की जो सीरीज मैंने पढ़ाई थी उस सीरीज मैंने बताया था कि NCERT में कहा जाता है कि ज्वलंत मुद्दे, जिसके लिए कहा जाता है अखबार पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए और रेडियो सुनने के लिए, यह बच्चों को यहाँ पर क्या क्या प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरी तरफ जीवन की वास्तविक घटनाएं, जैसे बच्चों को जीवन की वास्तविक घटना से जोड़ना है, जैसे जो उनके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो नाम होते हैं, जो पाठ होता है, उन सभी को क्या होता है, उनको जीवन के वास्तविक घटना, जैसे आपने देखा होगा सुनीता विलियम्स का है, कर्ण मलेश्वरी को पढ़ाया जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि अगर सुनीता विलियम्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, कर्ण मलेश्वरी को पढ़ा रहा है, डॉक्टर बोमोट को क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो NCERT किताबों उनका जिक्र किया गया ताकि बच्चे उनके जीवन की जो वास्तविक घटना है उसे अपने ऊपर ला सकें।
ठीक, यहाँ से हुबहू प्रश्न आपके परीक्षा में सीटेट में आएगा, हुबहू नहीं आएगा। इसकी जो भाव आपको स्पष्ट होगी वह भाव आपके परीक्षा में पूरी तरह से क्लियर करेगा। दैनिक समस्याएं, जी हाँ, तो जो दैनिक समस्या होती है उससे बच्चे रूबरू होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी मैंने भी पढ़ाया होगा तो मैंने वहाँ पर इस बात का हमेशा जिक्र किया है कि बच्चों के सामने हमेशा दैनिक समस्याएं भी सामने आती हैं, उनको भी लाया जाए। इसलिए ऐसे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी होगा, माने दिए गए प्रश्न का जो उत्तर होगा वह डीज का राइट आंसर होगा, डीज का सही जवाब होगा। इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, अपने फेसबुक पर डाल सकते हैं। ये प्रश्न स्वयं हमने बैठकर आपको एनसीईआरटी किताब से हूबहू तैयार कराया है और आज तक का रिकॉर्ड है कि जब से 2011 सीटेट हो रहा है उस एनसीईआरटी के बाहर पेपर नहीं गया है। और आपको पता है एनसीईआरटी और हमारे नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर रख देंगे, आपको लगेगा हूबहू प्रश्न हमारे नोट से बनाए गए हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इटली, बड़ा और छोटे केले खाने को मिलते हैं, माने भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है। जैसे यह भी आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा पूरा फोकस जो है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर है। कहाँ पर है? एनसीईआरटी पर है। और एनसीईआरटी को मैं हमेशा टारगेट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक अभ्यर्थी भी हूँ और सीटेट 3-3 बार क्वालिफाई हूँ, तो मैंने अपना अनुभव ये देखा है। यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने भारत का मैप बनाया है और मैं एक एक करके इन चीज़ों को, इन तथ्यों को मैं स्पष्ट करूँगा ताकि आप उस बात को समझें। देखिए, जो शिलोंग है ये किसकी राजधानी है? भिवंडी रोड, ये महाराष्ट्र में है। काठमांडू जो है वो यहाँ पर है, ठीक, काठमांडू नेपाल में है, ये तो जान लीजिए, तो नेपाल में है। और यहाँ पे नेपाल की बात नहीं की जा रही है, ये कहाँ पे है? ये नेपाल में, मतलब ये प्रश्न तो ये विकल्प गलत हो गया। अब है ये वलसाड़ है, तब बताइए इसमें से दिए गए प्रश्न का, प्रश्न नंबर 6 का, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर करें। जो लोग भी लाइव देख रहे हैं फटाफट शेयर करें, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया बताइए, मतलब आप लोग का पैसा कट रहा है क्या? बताइए, सोचिए, हम लोग प्रश्न को बनवाते हैं, टाइप कराते हैं, बैठ के एक एक लाइन को, सेंटेंस को मिलाते हैं, क्योंकि जरा सा गलती अगर उच्चारण में हो गया तो लोग आपके काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। तो भैया वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, आपके पैसे नहीं कटेंगे। यहाँ पर होगा वलसाड़। अब ये मैं पूछूं, वलसाड़ कहाँ पर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। आपने यात्रा पढ़ा होगा, आपने सीटेट में एक टॉपिक का नाम था यात्रा, यात्रा में इसका जिक्र किया गया है। दूसरी बात आप जानते रहिएगा, यहाँ पे केरल राज्य है जिसे हम शांत वैली के नाम से जानते हैं, किसके? शांत घाटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसके तट है पे बालू पाया जाता है, उस बालू को मोनोजाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोजाइट बालू कहते हैं, जिसमें थोरियम मिलता है। जिसमें क्या मिलता है? थोरियम मिलता है, यह बात जानते रहेगा। और अरब सागर से लगने वाले 4 राज्य हैं कौन कौन, ये भी सीटेट पूछा है। एक है आपका गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, फिर नीचे यहाँ पे छोटा सा गोवा है। क्या है? छोटा सा यहाँ पे गोवा है, फिर उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक है, ये नीचे केरल है। 4 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं? अरब सागर को स्पर्श करते हैं। तो यह भी परीक्षा में सीटेट के पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा जा चुका है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो अरब सागर को स्पर्श करता है, अरब सागर को नहीं स्पर्श करता। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकती है। क्लासेस प्रतिदिन रात 8:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलेंगी और इसकी PDF क्लास खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा इसलिए मैं पहले प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम प्रश्न पूरा एनसीईआरटी को टारगेट किए हैं, एनसीईआरटी, ताकि आपको उससे बाहर प्रश्न ना जाए। यहाँ पर है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन, ये थीम में भी है, का पाठ पढ़ाते समय मुकेश भोजन संबंधित आदतों में संस्कृति क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो आइए अब हम इसको, प्रश्न को एक बार आप गौर से पढ़ लीजिए, तब हम जब प्रश्न की विकल्प की तरफ चले तो वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए, यहाँ पे इसको चाहे तो प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आपको समझते। मैं एक बार प्रश्न को रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि सीटेट के प्रश्न हैं, एक प्रश्न पे आपको 1 मिनट पूरा मिलता है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन, यह थीम भी है, मैं आगे पढ़ाऊँगा थीम के बारे में। पाठ पढ़ाते समय मुकेश सर को भोजन संबंधित आदतों में
संस्कृति क्षेत्र विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती हैं। दिए गए अधिगम अवसर में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब हम विकल्प की तरफ चलते हैं। यहां पर हमारे सामने चार विकल्प है। पहला, विभिन्न क्षेत्र संस्कृति के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट और उनकी व्याख्या करना। एक शब्द है व्याख्या करना। एनसीएफ 2005 के आप लोग को नोट्स मिली होगी। एनसीएफ 2005 ये करता है, व्याख्या करवाना, रटवाना, कंठस्थ करना, याद करवाना। ये आपको एनसीईआरटी और आपको पीआरटी साथ ही प्राथमिक बच्चों के साथ नहीं करना है। माने ये विकल्प गलत। दूसरे विकल्प, एक शब्द से ये प्रश्न क्या हो गया? गलत हो गया, विकल्प गलत हुआ। अगले की तरफ चलेंगे। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। याद रखिएगा, यह विकल्प क्यों गलत हुआ? क्योंकि इस विकल्प में यहाँ पे सूचना शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? सूचना शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अभी मैं पूरे विकल्प को बताता हूँ, अब हम आगे देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के, जो पाठ्य पुस्तक हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना। तो देखिए, व्याख्या करना, किताबी पाठ्य पुस्तक तक रखना, ये गलत है। माने ज्ञान को पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रखना है। यह बात एनसीएफ 2005 कहता है। ठीक है, क्या कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है। आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यवसायी एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन करना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमें जानते हैं, बच्चों को हम सामूहिक शिक्षा पर बल देते हैं। किस पर? सामूहिक शिक्षा पर बल देते हैं और करके सीखने पे बल देते हैं, और उसके लिए भ्रमण विधि का भी उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पे एक बात आप लोग को देखेंगे कि किसी बाहरी भोजन बनाने वाली एजेंसी, व्यवसायी का एजेंसी का मतलब यहाँ पर है जो हमारे यहाँ कुक्स होते हैं, उनको बुलवाया जाए और उनके विभिन्न क्षेत्र के संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन किया जाए और उनको बच्चों को भोजन कराया जाए और उनके भोजन कराते समय बच्चों पर उस पर चर्चा किया जाए। इसलिए यहाँ पर बी और डी में अगर देखा जाए तो आपका सबसे सही उत्तर क्या होगा? विद्यार्थी जो वांछित जानकारी दी जा सकती है वह किससे? डी के माध्यम से दी जा सकती है, क्योंकि भोजन मंगाकर सूचनाओं के माध्यम से सभी भोजन की जानकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति की बात की जा रही है। इसलिए इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प जो होगा वह डी का राइट आंसर होगा। सीटेट के प्रश्न को या सीटेट की तोड़ने का एक ही तरीका है, उसकी व्याख्या को समझना। जब तक आप सीटेट की व्याख्या नहीं समझेंगे, एनसीएफ 2005 को नहीं समझेंगे, एनसीईआरटी को नहीं समझेंगे, आप सीटेट में स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सारे उत्तर लगते हैं सही है। तो इसलिए हमें इस प्रश्न को इस तरह से हल करना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है, कक्षा 5, यहाँ पे कह रहा है कक्षा 5 के बच्चों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। किस पर? प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलाप में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी होगा? ये बात को ध्यान दीजिएगा, जो शब्द में जो तथ्य को जोड़ा जाता है कि यहाँ पर क्या कहा है कि सबसे ज़्यादा प्रभावी, मतलब इसमें कई विकल्प सही हैं लेकिन प्रभावी विकल्प कौन सही है वह आप लोग को कमेंट करके बताना है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सबसे पहला काम वीडियो को लाइव देखने के बाद लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। और ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ भी शेयर करिएगा। आइए यहाँ पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को चार्ट बनवाना। देखिए मैंने ऊपर बताया कि चार्ट बच्चों से बनवाया जा सकता है, नो डाउट ये आपके प्रशिक्षण में भी है, लेकिन यहाँ पे चार्ट बनाना भी नहीं। आगे देखते हैं, बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, ये भी हो सकता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, उन पर विभिन्न प्रकार जो परियोजना उस पर उन्हें कार्य करने के लिए कहना। किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु और जल ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। देखिए भाषण देने पर बच्चे नहीं सीख पाएंगे, मतलब ये तो गलत निकल गया।
अब ऊपर तीन विकल्प है तो चार्ट बनाने को भी यहाँ पर नहीं होगा। अब आपको बताना है बी और सी में सबसे उपयुक्त कौन सा है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का बताएं। देखिए यहाँ पर आपका जो सबसे सही उत्तर होगा वह क्या होगा। देखिए यहाँ पर बच्चों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। जब प्रदूषण पर बल देना चाहेंगे तो केवल नदी प्रदूषण तो नहीं दिखाना होगा बच्चों को। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सी होगा बच्चों से विभिन्न प्रकार से प्रदूषणों से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, जिसके लिए आपने देखा होगा प्रायः कक्षा में विज्ञान मेला लगता है। क्या लगता है? विज्ञान मेला। आपने देखा होगा कक्षा में जो प्राथमिक विद्यालय कक्षाएं होती हैं वहाँ पे विज्ञान मेला का आयोजन किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विज्ञान मेला का आयोजन करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आप लोग समझ जाएंगे इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। तो जो विज्ञान मेला होता है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि जो बच्चे होते हैं वो प्रदूषण पर काम करें। जैसे आपने भी देखा होगा जब बच्चे या आप कभी प्रदूषण पर या किसी चीज़ पर काम करते हैं तो स्कूल में जाते हैं, कोई बच्चा यहाँ पे वो टैंक बना के ले जाता है उसे पानी गिराता है, कोई घर का चित्र बना के लेता है जल बचाने के लिए, तो बच्चे तरह तरह के क्या करते हैं प्रोजेक्ट बनाकर लेकर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे प्रभावी की बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव लेकर अपना काम करेंगे क्योंकि वहाँ बच्चे करेंगे और करने के बाद हल करेंगे। अगर आपको मैंने आपको पहले बताया है, ये प्रश्न को मैंने बैठ कर बनवाया है, सारे प्रश्नों को मैं टाइप स्वयं करवाया हूँ, खासकर EVS को मैथमेटिक्स के, CDP की भी टाइपिंग चल रही है, इससे मैं लगातार आपकी टाइपिंग हो रही है डेली के डेली। यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, कलर को लेकर कुछ लोग कमेंट कर दिए, कलर को इस तरह से जानबूझ के बनाया है ताकि कोई स्क्रीनशॉट ले तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के का साथ रहे, क्योंकि जो अन्य कोचिंग वाले, क्योंकि आप शायद वीडियो को देखें ना देखें, अन्य कोचिंग के बहुत सारे अध्यापक इस वीडियो को देखते हैं तो वो जब इसको हुबहू ना करें वो भी इस पर मेहनत करें, इसलिए इसको कलरफुल किया गया है ताकि इसकी प्रिंटआउट ना निकल पाए, ठीक है। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल किया गया, इसलिए कलरों का जो मिक्सिंग किया गया है ताकि प्रिंटआउट ना हो, क्योंकि अभी ई लर्निंग विद दुर्गेश की जब किताबें आएंगी तो वहाँ पर सब चीज़ें साफ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी समस्या आपको होगी। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 में, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के शिक्षक अभिषेक शर्मा, कौन? अभिषेक शर्मा, बच्चों के सब्जियों के रंग, पत्तियाँ, गुच्छेदार फूलों के आधार पर लिखने के लिए कहते हैं, इससे बच्चों में कौन से कौशल विकसित होगा। एकदम हलवा प्रश्न है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जैसे बताएं इसका क्या जवाब होगा। देखिए आप लोग यहाँ गलती करिएगा, परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा, वरना आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे, ठीक है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, व्हाट्सएप की स्टेटस पे लगाइएगा, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा। ये क्लासेस जौनपुर जनपद के से प्रसारित होती है ई लर्निंग विद दुर्गेश से, ठीक। ऑनलाइन क्लास के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, ठीक। चलिए मैं आपको बताऊं। देखिए लेखन करना, बच्चे उसमें लिखते हैं, लेखन करने की बात नहीं कहा है। विश्लेषण करना माने उनकी व्याख्या करना, अवलोकन करना माने उस पर जो प्रश्न है, जो फूल पत्तियां हैं उनको ध्यान से पढ़ते रहना, उस पर काम करना। यहाँ पर क्या होगा? क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, मतलब जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर ए लगाया है, ठीक है, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा अगली बार से क्वेश्चन के कलर को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न है, देखिए ध्यान से पहले समझिएगा। यहाँ पर अभिषेक शर्मा बच्चों को सब्जियों के रंग के आधार पर, पत्ती के आधार पर, गुच्छे, जैसे बच्चों से कह दिया जाए कि आप अपने घर में जाइए सबसे लंबे छोटे के नाम पर लिखिए, तो बच्चे क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन, रंग वाले एक, कलर वाले एक तरफ, पत्तियों चौड़ी पत्ती एक तरफ, पतली पत्ती एक तरफ, गुच्छेदार पट्टी एक तरफ, फूल के आधार पर, छोटा फूल, बड़ा फूल, लंबा फूल, काला फूल, फूल के आधार पर। तो उन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, अलग अलग किया। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए होगा। जैसे मैं कह दिया जाए कि कक्षा बैठी है, जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर एक कक्षा है। अब इस कक्षा में कह दिया जाए कि कितने लोग, जैसे सभी बच्चे गए हैं, अब यहाँ बच्चों को बताना है किसकी नाक चपटी है, नाक चपटे के आधार बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जैसे चश्मा लगाते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? चश्मा वाले को अलग गिनेंगे, चपटी नाक वाले को अलग गिनेंगे,
ठीक है, किसने बैग लाया उसको अलग, इस प्रकार क्या होगा, बच्चे अलग अलग को जब गिनेंगे उसके बाद टोटल करेंगे तो वहां पर होगा वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना। ठीक, इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर ये होगा। ऐसा प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा, सीटेट क्वालिफाई करना है, ये प्रश्न आपको काम आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए ठीक है, आप लोग उत्तर यहाँ पे दिया करें, क्योंकि जब परीक्षा हाल में जाने के बाद फिर ऐसा ना हो कि जब परीक्षा हाल में जाए तो पता चला कि आप यही उत्तर जो यहाँ देते हैं परीक्षा हाल में भी दे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जितने लोग भी लाइव रहा करें सभी लोग प्रश्न का जवाब दिया करें। चलिए मैं प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ और यहाँ पे देखिएगा, प्राथमिक स्तर की अच्छी जो है पाठ्यपुस्तक EBS की जो है जो पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें कि जो प्राथमिक स्तर पर EBS का फुल फॉर्म क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं EBS का फुल फॉर्म क्या होगा। यह भी NCERT में है, और अगर आप लोग ई-लर्निंग विद्युर्गेश पे जुड़े हुए हैं तो प्रतिदिन रात 8:30 बजे ई-लर्निंग विद्युर्गेश पर, यह आज का आखिरी प्रश्न है क्योंकि 10 प्रश्न एक दिन हम आपको कराएंगे, ये प्रश्न आपको ई-लर्निंग विद्युर्गेश पर लाइव मिलेगी। जी हाँ, एकदम आपने सही सुना, ई-लर्निंग विद्युर्गेश पर प्रतिदिन 8:30 बजे आपको प्रश्न की सीरीज मिलेगी। क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, जितने भी पेड क्लास के मेंबर हैं उनको सबको कल से सभी PDF आपको एक एक करके उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा कि अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना, ये सही है, मतलब प्राथमिक के स्तर की अच्छी EBS की पाठ्यचर्या में क्या होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता होनी चाहिए, माने अधिक व्याख्या पर एकाग्रता होनी चाहिए। फिर आगे कह रहा है, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना चाहिए। फिर कह रहा है, पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना चाहिए। तो फटाफट कमेंट करिए, जल्दी से बताइए, आज का आखिरी प्रश्न आपके बोर्ड पर लाइव दिख रहा है, और ये क्लास मैंने आपको पहले बताया प्रतिदिन 9:30 बजे ई-लर्निंग विद्युर्गेश पर लाइव चलती है। इस क्लास को खत्म होने के बाद इसकी जो नोटिफिकेशन होती है प्रतिदिन क्लास, क्योंकि कल से क्लासेज और मिलेंगी जो, वो टेलीग्राम पे मिलेंगी। टेलीग्राम पे आपको दुर्गेश्वर सर्च करना है, या डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप ई-लर्निंग विद्युर्गेश से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें, संभावनाएं क्या क्या मिल रही हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर अच्छी पाठचर्या क्या होनी चाहिए, तो सभी लोग फटाफट पहले कमेंट करें। अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया है, अभी तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो फटाफट सही जवाब दिया हो। देखिए, यहां पर इसका उत्तर होगा, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर एकाग्रता हो, माने किसी भी संकल्पना की जो विस्तृत व्याख्या हो उस पर उनकी एकाग्रता हो। जैसे आपने देखा होगा कक्षा 5 की भी देखिए, तो जैसे पहले लेसन में क्या है, चील के बारे में है, पहले लेसन में आप देखेंगे कुत्ते के बारे में है, पहले लेसन में आप देखेंगे, तो वहां पर संकल्पनाओं पर विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता रखी गई है। जैसे हम चील के बारे में वहां पे है, फिर वहां पे हम भालू के बारे में जो पढ़े थे, स्मृत के बारे में, हाथी के बारे में है, तो बोमोड के बारे में है, तो जो आपने प्राथमिक कक्षा में NCERT की जो किताबें पढ़ी हैं उन किताबों में संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता रखी गई है। ये कहाँ पर मिलेगा, ये आपको NCERT में मिलेगा, और आपने NCERT पढ़ी होगी, NCERT क्लास अटेंड किया होगा, तो आपको इस तरह की सीरीज आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है परिभाषाओं पर बल देना, ये अपने आप गलत हो जाएगा। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास देना, ये गलत है, ये किसके लिए है, ये गणित शिक्षण के लिए था, ये किसके लिए था, ये गणित के लिए था। अब ये दो विकल्प आपके गलत, ए पे आते हैं, अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना, ये NCF 2005 कहता है। ये क्या कहता है, ये NCF 2005 कहता है कि बच्चों को किताबें पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो क्या करना चाहिए, उन्हें बच्चों को खोजने का मौका देना चाहिए। इसलिए दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प जो होगा वह बी होगा, क्योंकि ए जो है वह NCF 2005 की है। ये ए क्या है, NCF 2005 के, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा, प्राथमिक स्तर पर EBS की पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए। यहाँ पर दो बातें ध्यान देना है, NCF 2005 को भी देखना है और आपको EBS, इसलिए प्रश्न जो पूछा गया है हमें प्रश्न के आधार पर चलना है, न कि प्रश्न के आगे चलना है। तो मैंने आपको क्या किया, सारे तथ्यों को व्याख्या कर दिया। अगर यहाँ पर संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता करना, अगर ये ना होता तब आप विकल्प ए का चयन कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में साफ साफ इस बात को कहा गया है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने ये गणित के लिए जो सी बता रहे हैं ना, गणित के लिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे इस बात की देखिए, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, जब इसकी PDF आपको मिलेगी एक बात का ख्याल रखिएगा, वहाँ पे आपको इसकी उत्तर कुंजी मिल जाएगी।
इस पीडीएफ में, और आप लोग फेसबुक पर जोड़ने के लिए जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप फेसबुक पर जुड़ जाएंगे, इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पे, इस लिंक पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पे, इस लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब पे, माने यहाँ पे जो लिंक उपलब्ध है, इन लिंकों पर क्लिक करने के बाद आप सीधा सीधा कहाँ पे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे प्रतिदिन क्लास की टाइमिंग आपको, क्लास की शेड्यूल सब कुछ आपको मिल जाएगी। ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सीटेट की सभी सीरीज एक एक क्रम में उपलब्ध हो जाएगी, और शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की बैच स्टार्ट है, सीटेट की बैच स्टार्ट, अगर आप चाहें तो ई लर्निंग विद दुर्गेश में दाखिला ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद से चलती है, आपके मन में कोई प्रश्न कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। आज क्लास यहाँ पे खत्म होती है, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें उन्हीं तथ्यों को ध्यान रखना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से उठाया हूं तो मैं एनसीईआरटी पे ही बता सकता हूं। अगर आपके मन में क्लास खत्म होने के बाद कोई प्रश्न हो फटाफट पूछ लीजिए, क्योंकि आज ही क्लास खत्म हो गई, सीटेट सितंबर के लास्ट वीक में होगा। और कोई सवाल, और कोई सवाल आपका? ऐसे ही मेरी क्लास काफी बड़ी हो जाती है, हम आप लोग के फालतू का कमेंट लेंगे तो क्लास और लंबी हो जाएगी। और कोई सवाल आपका? एकता जी थैंक यू, और बिमल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं, अगर हो सके 9:30 बजे क्लास आज होगी, नहीं तो फिर आज भी थोड़ी सी मुश्किल है। बाय बाय, कोई सवाल नहीं है ना आपका? चलिए फिर, चलिए फिर, कोई बात नहीं। पंद्रह दिन पहले, और कोई सवाल आपका नहीं है? अभी मैथ की क्लास टेलीग्राम पे मिलेगी। रेस से घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। जी हाँ, रविंदर जी सही कहा आपने, जय हिंद जय भारत।